स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। तो बच्चों, यहाँ पे चैप्टर 1.3 है, ये क्लास 4 का साइंस बुक है और इस चैप्टर का नाम दिया हुआ है एनिमल्स। जानवरों के बारे में स्पेशली ये चैप्टर दिया हुआ है, जैसे कि हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, जानवर समूहों में रहते हैं। सम एनिमल्स आर शाय, कुछ जानवर शर्मीले होते हैं। सम एनिमल्स प्लेइंग विथ, कुछ जानवर जो है हमारे साथ खेलते हैं। और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, और दूसरे जानवरों के साथ भी वो चलते हैं। चलिए अब पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ चैप्टर दिया हुआ है यू हैव लर्न अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन प्रीवियस क्लास। आप पिछली कक्षा में जंतुओं और पौधों के बारे में पढ़ चुके हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड अराउंड अस, हमारे चारों ओर जंतु और पौधे पाए जाते हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच अदर इन मैनी रिस्पेक्ट्स, वे कई मायनों में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ पौधे बड़े होते हैं और कुछ छोटे। सिमिलरली सम एनिमल्स आर लार्ज एंड सम आर वेरी वेरी स्मॉल, इसी तरह कुछ जानवर भी बड़े होते हैं और कुछ बहुत छोटे होते हैं, वेरी वेरी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वाई एनिमल्स मूव और लिव इन ग्रुप्स, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि जानवर समूह में क्यों चलते हैं या क्यों रहते हैं। और इसके आगे सम एनिमल्स आर शाय एंड सम प्ले विथ ईच अदर, कुछ जानवर शर्मीले होते हैं और कुछ आपस में खेलते हैं। वी आर टू लर्न मैनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट एनिमल्स, हमें जानवरों के बारे में कई महत्वपूर्ण बातें सीखनी है, पढ़नी है। सिमिलरली यू विल लर्न अबाउट नीड ऑफ प्लांट्स, फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड होम डू ट्री बिलोंग टू, इसी तरह आप पौधों की आवश्यकता, पौधों के विभिन्न भागों के कार्य और पेड़ किससे संबंधित है, इसके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में दिया हुआ एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स, जानवर और उनके दोस्त। लेट्स गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व हाउ एनिमल्स लिव अराउंड अस, आइए हम बाहर जाकर देखें कि जानवर हमारे आसपास कैसे रहते हैं। मैन इज ऑल्सो कॉल्ड ए सोशल एनिमल बिकॉज इट लिव्स लाइक अदर एनिमल्स इन ग्रुप, मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी, मतलब जानवर प्राणी ही कहा जाता है, क्योंकि वह समूह में अन्य जानवरों की भांति रहता है। आगे दिया हुआ है एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, जानवर समूह में रहते हैं। मैनी एनिमल्स लिव अराउंड अस लाइक काउ, बफेलो, गोट, शीप, ईटीसी, हमारे आसपास बहुत से जानवर रहते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी, भेड़ आदि। दे मूव टूगेदर इन ग्रुप्स, वे समूहों में एक साथ रहते हैं। सम एनिमल्स लाइक डियर, बियर एंड एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट, कुछ जानवर जैसे हिरन, भालू और हाथी जंगल में रहते हैं। दे ऑल लिव टूगेदर एंड मूव इन ग्रुप्स टू प्रोटेक्ट इच अदर फ्रॉम इनिमीज, टू रेज देयर यंग वंस एंड टू गेट वर्म्थ फ्रॉम इच अदर्स बॉडी, वे सभी एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को दुश्मनों से बचाने के लिए, अपने बच्चों को पालने और एक दूसरे के शरीर से गर्माहट पाने के लिए समूहों में घूमते हैं। पेंगुइन्स, फिशेस, बीज, ईटीसी ऑल्सो लिव इन ग्रुप्स टू वर्म इच अदर एंड फॉर स्पेशल जॉब टू डू, पेंगुइन, मछलियाँ, मधुमक्खियाँ आदि भी एक दूसरे को गर्म करने और विशेष कार्य करने के लिए समूहों में रहते हैं। द ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड सोल, मछलियों के समूह को सोल कहते हैं। एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स, केयर फॉर इच अदर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस फ्रॉम अटैकर्स, जानवर समूहों में रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और हमलावरों से अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। फीमेल लायंस टेक केयर ऑफ देयर यंग कब्स टूगेदर, मादा शेर मिलकर अपने शावकों की देखभाल करती हैं। और यहाँ पे मस्क ऑक्सन लिव टूगेदर इन ग्रुप, कस्तूरी बैल समूह में एक साथ रहते हैं। एनिमल्स इन ग्रुप इज कॉल्ड हर्ड, समूह में रहने वाले जंतुओं को हर्ड मतलब झुंड हो गया, झुंड कहते हैं। दे फॉर्म बिग सर्कल एंड प्रोटेक्ट देयर अंगवंस इनसाइड द सर्कल फ्रॉम अटैकर्स लाइक वुल्व्स एंड टाइगर्स, वे बड़ा घेरा बनाते हैं और घेरे के अंदर अपने बच्चों को भेड़ियों और बाघ जैसे हमलावरों से बचाते हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज यहाँ पे दिया हुआ है सम एनिमल्स आर शाय, कुछ जानवर शर्मीले होते हैं। सम एनिमल्स आर शाय एंड डू नॉट कम नियर यू वाइल सम आर फ्रेंडली,
कुछ जानवर शर्मीले होते हैं और आपके पास नहीं आते, जबकि कुछ मिलनसार होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व व्हेन यू गो क्लोज टू सम एनिमल्स लाइक लिजार्ड, कॉकरोच, रेट, रेबिट, ईटीसी। क्या होता है? दे रन अवे। जब आप कुछ जानवरों जैसे छिपकली, तिलचट्टा, चूहा, खरगोश आदि के करीब जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि वे भाग जाते हैं। यू सी ए टॉर्टोइज, दिस एनिमल हैज ए हार्ड सेल ऑन इट्स बैक। आप एक कछुआ देखते हैं, इस जानवर के पीठ पर एक सख्त खोल होता है। व्हेन यू टच इट, इट पुल्स इट्स लेग एंड टेल्स इन टू इट्स सेल। जब आप इसे छूते हैं तो यह अपना पैर खींचता है और अपने खोल में पूंछ अंदर कर लेता है। बट सम एनिमल्स लाइक डॉग एंड कैट आर इजी टू मेक फ्रेंड्स विथ यू इफ यू पेट देम, कॉल देम लविंगली और फीड देम। लेकिन कुत्ते और बिल्ली जैसे कुछ जानवरों को आपसे दोस्ती करना आसान होता है अगर आप उन्हें थपथपाते हैं, उन्हें प्यार से बुलाएं या उन्हें कुछ खिलाते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट हार्म देम, वे समझ जाते हैं कि आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। समटाइम डोमेस्टिक एनिमल्स शाय अवे फ्रॉम यू बिकॉज इट द पास्ट दे वेर इल ट्रीटेड और टीज्ड बाय समवन। कभी कभी पालतू जानवर आपसे दूर भागते हैं क्योंकि अतीत में उनके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया था या उन्हें छेड़ा था। एंड दे अटैक ऑन यू, सो ऑलवेज बी काइंड टू एनिमल्स। और वे आप पर हमला भी करते हैं, इसलिए हमेशा जानवरों के प्रति दयालु रहें। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, ये सब जानवरों को पेट बनाया जाता है। देखिए कि डॉग को, कैट को, लिजार्ड को पेट नहीं बनाया जाता, ऑलरेडी वो घर में ही हमेशा रहता है। उसके बाद आगे दिया हुआ है यहाँ पे, सम एनिमल्स प्लाइंग विथ और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स, कुछ जानवर विभिन्न जानवरों के साथ खेलते हैं या उन पर सवारी करते हैं। सिमिलरली टू अस, सम एनिमल्स प्ले विथ ईच अदर एंड सम राइड ऑन अदर। हमारी तरह कुछ जानवर आपस में खेलते हैं और एक दूसरे पर सवारी करते हैं। मैन राइड्स ऑन हॉर्स, कैमल एंड बफेलो अल्सो, आदमी घोड़े, ऊंट और भैंस पर भी सवार होता है, सवारी करता है उसका। यू कैन सी, यू सी ए मैन राइडिंग ऑन ए बफेलो और ए बर्ड राइडिंग ऑन ए बफेलो। आप भैंस पर सवार आदमी देखते हैं या भैंस पर सवार पक्षी भी देखते हैं। मैन राइड ऑन बफेलोज बिकॉज दे कवर डिस्टेंस विदाउट वॉकिंग एंड ऑब्जर्व देयर बफेलोज। पुरुष भैंसों पर सवारी करते हैं क्योंकि वे बिना पैदल दूरी तय करते हैं और अपने भैंसों का निरीक्षण भी करते हैं। सिमिलरली इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी स्मॉल बर्ड्स सिटिंग ऑन द बैक ऑफ बफेलो, काउ, ईटीसी। इसी प्रकार गाय, भैंस, गाय आदि की पीठ पर छोटे छोटे पक्षी बैठे दिखाई देना आम बात है। दे टेक बेनिफिट फ्रॉम ईच अदर, दूसरे का लाभ उठाते हैं। बर्ड्स ईट द इंसेक्ट सिटिंग ऑन द एनिमल्स बॉडी एंड रेस्ट वाइल सिटिंग ऑन देम, पक्षी जानवर के शरीर पर बैठे कीड़ों को खाते हैं और उन पर बैठकर आराम करते हैं। दस हार्मफुल इंसेक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ एनिमल्स, बर्ड वार्न द बिग एनिमल्स अबाउट डेंजर एंड फ्लाई अवे। इस प्रकार पशुओं के शरीर से हानिकारक कीट निकल जाते हैं, बड़े पक्षी जानवरों को खतरे के बारे में चेतावनी देते हैं और उड़ जाते हैं। डॉग्स एंड पपीज आर ऑफन सीन प्लेइंग विद काउज, कुत्तों और पिल्लों को अक्सर गायों के साथ खेलते हुए आपने देखा होगा। नेक्स्ट पेज है यहाँ पे, एनिमल्स एंड फ्लावर्स, पशु और फूल। सम एनिमल्स आर अट्रैक्टेड बाय फ्लावर्स, कुछ जानवर फूलों की ओर आकर्षित होते हैं। हैव यू सीन बीज ऑफ फ्लावर्स, बीज ऑन फ्लावर्स, क्या आपने मधुमक्खियों को फूलों पर देखा है? व्हाई डू दे कम टू फ्लावर्स, वे फूलों पर क्यों आते हैं? हनी बीज सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, मधुमक्खियाँ फूलों से उसका रस चूसते हैं। हनी बीज लिव इन बिहाइव, मधुमक्खियाँ छत्ते में रहती है। ए बिहाइव हैज सो मैनी स्मॉल और लिटिल रूम्स कॉल्ड सेल और कंपार्टमेंट्स, मधुमक्खियों के छत्ते में इतने सारे छोटे
छोटे छोटे कमरे होते हैं जिन्हें सेल कहते हैं या कंपार्टमेंट कहते हैं, जिसे कक्ष कहा जाता है हिंदी में। व्हेन दे फिल देयर स्टोमैक फ्रॉम नेक्टर दे गो एंड स्पिट द नेक्टर इन द सेल ऑफ द बीहाइव। जब वे अमृत, नेक्टर मतलब अमृत कहा जाता है, वैसे फूल का रस से इसको मतलब डिनोट किया गया है, फूल का रस बतलाया गया है नेक्टर द्वारा। जब वे फूल के रस से अपना पेट भरते हैं तो वे जाकर मधुमक्खी के छत्ते की कोठरियों में अमृत उगल देते हैं, मतलब वहाँ जमा करते हैं। आफ्टर सम डेज नेक्टर कन्वर्ट्स इन टू हनी, कुछ दिनों बाद अमृत शहद में बदल जाता है। हनी इज कलेक्टेड बाय हनी कलेक्टर्स फ्रॉम द बीहाइव, हनी मतलब शहद संग्राहकों द्वारा मधुमक्खियों के छत्ते से वे उससे शहद निकालते हैं। अब कलेक्टर, हनी कलेक्टर जो होते हैं उन लोग हनी को निकालते हैं मधुमक्खी के छत्ते से। दे बर्न फायर अंडर बीहाइव, मधुमक्खी के छत्ते के नीचे जो है उसके नीचे आग जला देते हैं। द स्मोक एंड हीट ड्राइव अवे ऑल द बीज फ्रॉम द हाइव एंड दे एक्सट्रैक्टेड हनी फ्रॉम इट, धुआं और गर्मी से सभी मधुमक्खियों छत्ते से दूर चले जाते हैं और वे उससे शहद निकालते हैं। नॉट ओनली हनी इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बीहाइव बट वैक्स इज ऑल्सो कलेक्टेड फ्रॉम इट, मधुमक्खी के छत्ते से न केवल शहद निकाला जाता है बल्कि उससे मोम भी निकाला जाता है। बीज लिव इन कॉलोनीज, मधुमक्खियाँ कॉलोनियों में रहती है। ए बी कॉलोनी हैज ए क्वीन बी, एक मधुमक्खी कॉलोनी में एक रानी मधुमक्खी रहती है। इट लेज एग्स इन द सेल, या सेल जो छोटा छोटा रूम टाइप का होता है उसमें ये अंडा देती है। द वर्कर बीज कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स एंड गार्ड द लार्वा, श्रमिक मधुमक्खियाँ फूलों से अमृत एकत्रित करती है और लार्वा की रक्षा करती है। द मेल बी विच हेल्प्स द क्वीन बी टू रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड एज ड्रोन, नर मधुमक्खी जो रानी मधुमक्खी को प्रजनन करने में मदद करती है ड्रोन कहलाती है। सिमिलरली बटरफ्लाई ऑल्सो कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स बट दे डू नॉट प्रोड्यूस हनी, इसी प्रकार तितलियाँ भी फूलों से रस इकट्ठा करती है लेकिन वे शहद नहीं बनाती है। आगे है टाइप्स ऑफ ईयर्स एंड देयर यूजेज इन एनिमल्स, जानवरों में कानों के प्रकार और उनके उपयोग। यू नो ईयर इज ए वेरी इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट, आप जानते हैं कि कान शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। हाउ मेनी ईयर्स हैव यू, आपके पास कितने कान हैं। लाइक ह्यूमन एनिमल्स ऑल्सो हैव ईयर्स, इंसानों की तरह जानवरों के भी कान होते हैं। यू हीयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड, आप तरह तरह की आवाज़ें कानों से सुनते हैं। मैन कैन नॉट हीयर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड, सिमिलरली ऑल एनिमल्स कैन नॉट हीयर ऑल टाइप्स ऑफ साउंड, मनुष्य सभी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकता उसी प्रकार सभी जानवर सभी प्रकार की ध्वनि नहीं सुन सकते। हियरिंग इज द फंक्शन ऑफ ईयर, सुनना कान का काम है। हैव यू सीन ऑल एनिमल्स हैव सेम टाइप ऑफ ईयर्स, क्या आपने देखा है कि सभी जानवरों के कान एक जैसे होते हैं। सम एनिमल्स हैव लॉन्ग ईयर्स एंड सम हैव नो ईयर्स, कुछ जानवरों के कान लंबे होते हैं और कुछ जानवरों के कान होते ही नहीं। सम एनिमल्स लाइक रेबिट एलिफेंट एंड फॉक्स हैव लॉन्ग ईयर्स दैट हेल्प देम टू कैच ए लॉट ऑफ साउंड, खरगोश हाथी और लोमड़ी जैसे कुछ जानवरों के कान लंबे होते हैं जो उन्हें बहुत अधिक ध्वनि पकड़ने में मदद करते हैं, सुनने में मदद करते हैं। एलिफेंट यूजेज इट्स ईयर्स एज फैन इन हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान में हाथी अपने कानों को पंखे की तरह इस्तेमाल करता है। एनिमल्स लाइक रेट एंड पोलर बियर्स हैव स्मॉल ईयर्स विच दे कैन क्लोज कम्प्लीटली वाइल स्विमिंग, चूहे और ध्रुवीय भालू जैसे जानवरों के कान छोटे होते हैं जिन्हें वे तैरते समय पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। सम एनिमल्स हैव नो ईयर्स लाइक स्नैक्स, कुछ जानवरों के कान नहीं होते हैं जैसे सांप। दे फील द वाइब्रेशन ऑफ अदर थिंग्स और अदर एनिमल्स ऑन ग्राउंड बाय देयर स्किन, वे अपनी त्वचा से जमीन पर अन्य चीज़ों या अन्य जानवरों के कंपन को महसूस करते हैं। बर्ड्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स दे हैव ओनली होल्स, पक्षियों के बाहरी कान नहीं होते उनके केवल छिद्र होते हैं। आउल्स कैन हियर द फैंटेस्ट ऑफ साउंड लाइक द फॉल ऑफ ए लीफ एट ए डिस्टेंस, उल्लू दूर से
किसी पत्ते के गिरने जैसी हल्की सी आवाज़ भी सुन सकता है। आगे यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पेज में, नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है बैट इज़ ए फ्लाइंग मैमल, चमगादड़ एक उड़ने वाला स्तनपाई है। इट हियर्स साउंड बिलो 20 हर्ट्ज, यह 20 हर्ट्ज से नीचे की आवाज़ सुनता है। द स्क्वैक ऑफ ए बैट मैक्स एन इको, चमगादड़ की चित्कार प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। द इको हेल्प्स द बैट टू नो हाउ फार ए थिंग इज, प्रतिध्वनि चमगादड़ को यह जानने में मदद करती है कि कोई वस्तु कितनी दूर है। सो इट इजली फ्लाइज एट नाइट, इसीलिए यह रात में आसानी से उड़ सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे बॉडी कवरिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों के शरीर को ढकने वाले। ऑब्जर्व योर हैंड एंड हैंड्स ऑफ योर क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों के हाथ और अपने हाथ को देखें। व्हाट यू हैव सीन, आप क्या देखते हैं। हैंड इज कवर्ड विथ स्मॉल हेयर्स, हाथ छोटे छोटे बालों से ढके होते हैं। ऑल मैन हैव स्मॉल हेयर्स ऑन द बॉडी, सभी पुरुषों के शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। सिमिलरली एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी कवरिंग टू सूट द प्लेस दे लिव इन, इसी प्रकार जंतु जिस स्थान पर रहते हैं उसके अनुरूप उनके शरीर पे अलग अलग प्रकार के आवरण होते हैं। बॉडी कवरिंग प्रोटेक्ट्स एनिमल्स फ्रॉम देयर एनिमीज एंड वेदर, शारीरिक आवरण पशुओं को उनके शत्रुओं और मौसम से बचाता है। सम एनिमल्स लाइक टॉर्टोइज फिशेज स्नैक एंड क्रोकोडाइल हैव स्केल्स, कछुआ मछली सांप और मगरमच्छ जैसे कुछ जानवरों में सल्क होते हैं। सम एनिमल्स लाइक पिल्ला, जिसको स्नेल कहते हैं, जिसको आम भाषा में घोंघा कहा जाता है। यूनियो ऑक्टोपस स्टारफिश इटिसी हैव हार्ड सेल, कुछ जंतु जैसे घोंघा यूनियो ऑक्टोपस स्टारफिश आदि का कवच कठोर होता है। बर्ड्स हैव फीदर्स ऑन देयर बॉडी, पक्षियों के शरीर पर पंख होते हैं। सम एनिमल्स हैव हेयर ऑन देयर बॉडी लाइक ह्यूमन, दे आर डियर जेबरा गोट काउ बफेलो कैमल आक पोलर बियर इटिसी, कुछ जानवरों के शरीर पर इंसानों की तरह बाल होते हैं। वे हिरन जेबरा बकरी गाय भैंस ऊंट आक ध्रुवीय भालू आदि हैं। दोज एनिमल्स विच लिव इन हॉट रीजन दे हैव लिटिल हेयर, एंड दोज हु लिव इन कोल्ड रीजन दे हैव लार्ज हेयर ऑन देयर बॉडी दैट कीप्स वर्म, वे जानवर जो गर्म क्षेत्र में रहते हैं उनके बाल कम होते हैं, और जो ठंडे क्षेत्र में रहते हैं उनके शरीर पर बड़े बाल होते हैं जो उन्हें शरीर को गर्म रखने में मदद करते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और इसमें देखते हैं क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इसका एक्सरसाइज, इसमें 6 क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है और लास्ट में 4 नंबर में मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन का सोल्यूशन दे देता हूँ। यह चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन आंसर। Why do animals live in groups? Animals live in groups to protect each other from enemies, to raise their young ones, and to get warmth. How can oxen protect their young from attack of wolves? They formed a big circle and protect their young ones inside the circle from attackers like wolves. What is nectar? Explain how honey is extracted from beehive. Sweet juice of flowers is called nectar. Bees collect the nectar in the beehive and after some days it is converted into honey. Honey collectors burn the fire under beehive. The smoke and heat drive away all the bees from the hive and they extracted the honey from it. What is the function of hairs on the body of polar bear? The body hairs of polar bear protect it from extreme cold. How does bat fly at night? The squawk of a bat makes an echo. The echo helps the bat to know how far a thing is, so it easily flies at night. Why sometimes domestic animals attack on us? Sometimes domestic animals attack on us because in the past they were ill-treated or teased by someone.
क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे उसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, इसको देखकर आप भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री जहाँ पे ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, तो इसमें डी और ई सिर्फ ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है। और मैच द फॉलोइंग का डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके नेक्स्ट चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलेंगे।